अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं अपने फार्म के आज की वीडियो में जो है बछड़े दिखाने जा रहा हूँ, जो बछड़े और एक बछड़ी है अवेलेबल सेल के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, पिछली वीडियो में बकरे आपने देखे माशाल्लाह, काफ़ी लोगों ने बहुत बहुत जो है ना उसको सराहा। बाकी ये कि कुछ के कमेंट्स आ रहे थे कि एक्सपेंसिव और या रेट ज़्यादा बोल रहे हैं। बहरहाल मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग फार्म पे आके इस चीज़ को अगर कहते हैं तो मुझे फिर भी समझ आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो को देख के बोल रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ख़ुद भी बाद में देखी, वो ये था कि काफ़ी दूर से बनाई थी तो बकरे तो बहुत ही छोटे लग रहे हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद क्या है कि भाई आप आएंगे ना इंशाल्लाह तो आपको सही अंदाज़ा होगा उन बकरों पे। फिर भी मैं यही कहूँगा कि कोई मसला नहीं, अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मैंने कोई ज़बरदस्ती या कोई ऐसी बात नहीं कि। बहरहाल नस्ल और असल में कलर की वजह से बच्चे ख़रीदे जाते हैं पुराने और महंगी मिलते हैं, वो कलर की वजह से कुछ बकरे होते हैं नस्ल की वजह से महंगे मिलते हैं। बहरहाल इस वीडियो में आपको बछड़े दिखा रहा हूँ और यही होगा कि इंशाल्लाह वीडियो में इनके रेट्स वगैरह बता देंगे। मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा, इस वीडियो में आपको जितने का भी दिख रहा है, सस्ता दिख रहा है महंगा दिख रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप विज़िट करें, बजाय इसके कि सिर्फ आप या तो कमेंट्स में या सिर्फ व्हाट्सएप पे ही हमसे रब्ता करें। बाकी ये कि आपको इनके अलग से वीडियो भी अगर चाहिए हो तो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है जी, मैं आपको शुरू कर से दिखाता हूँ बछड़े। अच्छा, वीडियो शुरू बछड़े वापस दिखाने से पहले मैं आप लोगों को जो है ना एक बात बता दूँ, ये जो शर्ट वगैरह प्रिंटिंग आप देख रहे हैं और पेनाफ्लेक्स भी आपने देखा, ये सारी जो है ना मेरे एक दोस्त है अयाज, मैं उसका कमेंट बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, अगर आप लोगों ने अपनी छपवानी हो या बनवाना हो आगे पेनाफ्लेक्स वगैरह या ये सिलसिला करवाना हो तो आप उससे जो है ना करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे मुनासिब उसमें रेट्स में अच्छी माशाल्लाह क्वालिटी की शर्ट्स बना के दी, प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो आपने अगर इस हवाले से रब्ता करना हो तो उससे कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ये बछड़ा आप देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोज़ में देखा है, काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि फॉर सेल में, तो मैं उस टाइम तक बोलता था कि नहीं, लेकिन अब ये सेल के लिए इरफान भाई ने इसको बोला है कि भाई सेल कर दें, अब वो जो भी उनके मामला हैं, खैर बहरहाल ये अब अवेलेबल है, 2,80,000 इसकी डिमांड वो कर रहे हैं और दांतों में अभी ये दो दांत हुआ है, बिल्कुल निकाले इसने अभी जस्ट, और माशाल्लाह से आपके सामने इसकी हेल्थ वगैरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया है माशाल्लाह। नखेल रिसेंटली दिलवाई है इसको, साफ बात है मस्ती बहुत करता है ये, इस वजह से नखेल दिलवा दी थी तो अभी रिसेंटली दिलवाई, बाकी बछड़े की जान वान माशाल्लाह आपके सामने है ना, और आके देखेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारा है, पहला ये बछड़ा हो गया, दांतों में मैंने आपको बता दिया दो दांत है। अच्छा दूसरा ये काला बछड़ा हमारा था खड़ा हुआ है और दांतों में ये भी दो है माशाल्लाह, ये भी अच्छी हाइट में है, सही हाइट में है, हेल्थ में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लेकिन सही है और बेहतरी की तरफ जा रहा है, महीना है बाकी है, जैसे स्पीड से जा रहा है तो काफ़ी इंशाल्लाह और उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। तो दांतों में मैंने आपको जैसे बताया कि दो दांतों में है और बिल्कुल ब्लैक है, बस नाफ की तरफ थोड़ा सा जो है ना इसकी कलर है, तो इस हवाले से भी जो है ना रابطہ कर सकते हैं। सही सेहत है, कोई मतलब ज़्यादा वो भी नहीं है कि ख़राब, बिल्कुल ही ढला हुआ या जो है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा, हाइट में अच्छा है। ठीक है जी, बाकी तीसरा बछड़ा ये है एक चितकबरा कह लें आप इसको, कलर में अगर कहना चाहें, बाकी जो है ना ये आपके सामने काफ़ी लेंथ में अच्छा है माशाल्लाह से, दो दांत अभी ये जैसे होने वाला है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि ईद से पहले क्या है बल्कि अभी एक आध हफ्ते में हो ही जाएगा, तो हेल्थ में माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त है, हाइट वाइट वाला है, नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर कोई जैसे ख़रीद के कहीं वो छुड़वा दे तो वो वाली चीज़ भी माशाल्लाह से ये है ज़बरदस्त जो है ना वो माशाल्लाह से है। ठीक है जी, बाकी ये आ गया भाई भूरा, दांतों में ये दो है और ये मैं आपको लोग पता ही है, जो नए पहली मरतबा देख रहे हैं उनको बता दूं भाई, मैं लाया था बिल्कुल सुक्कड़ और अब माशाल्लाह से जो है ना इसकी हेल्थ आपके सामने है माशाल्लाह, फुल तगड़ा हो गया और गर्दन वर्दन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ना काफ़ी अच्छी इसकी कर ली है इसने, और वो इसकी झालर वालर बस नॉर्मल सी है, तो ख़ास कुछ नहीं है नाप झालर, मगर ये है कि हेल्थ में माशाल्लाह आपको पूरा भरपूर मिलेगा ये भूरा बछड़ा, और आगे पीछे हर जगह से सीना वीना इसका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खोल लिया है इसने। ठीक है जी, बछड़ी में सबसे एंड में दिखाऊंगा एक ये आ गया भाई काला ब्लक, काफ़ी लोगों ने इसकी जो है ना वो अनलोडिंग की वीडियो देखी ही होगी, तो ये जो है ना ये भी अवेलेबल है। अच्छा सॉरी, मैं आपको डिमांड तो इसकी बताना भूल गया, इसकी जो है ना 2,10,000 रुपये इसकी डिमांड है। ठीक है, जट ब्लैक जो हमारा, और इसकी जो है 2,20,000 रुपये इसकी डिमांड है भूरे की, और इसकी भी 2,20,000 रुपये डिमांड है, तो आप लोग इनके हवाले से रब्ता कर लीजिएगा। इसकी जो अब्लक है ये हमारा सबसे हैवीएस्ट है,
और इसकी भी जो है ना 2,80,000 रुपये डिमांड है। दांतों में दो है और हाइट में भी माशाल्लाह अच्छा है, लेंथ भी सही है और ये अच्छा गोल है, ये मैं आपको बता दूँ पहले। माशाल्लाह से जो है ना इसका काफ़ी अच्छी जो है ना इसकी वो है पुट, ज़बरदस्त करके हर जगह से भरा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं गर्दन वर्दन भी इसकी अच्छी भारी है, सलामी भी काफ़ी अच्छी भारी माशाल्लाह से है। ठीक है दोस्तों, ये भी अवेलेबल है और मैं नीचे से करके नहीं बना रहा कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़े बड़े हाइट के लगे। और चले आप बछड़ी देख लेते हैं, बछड़ी भी दो दांतों में है और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गोल मटोल सी बछड़ी है बहुत। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ना, बहुत मासूम बहुत है ये, बहुत प्यार करने वाली माशाल्लाह से। और जिसके जो है ना ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है ना इसका ये सीन है माशाल्लाह से। और कमर वगैरह आपके सामने, ये भी अवेलेबल है भाई सेल के लिए है। ठीक है जी, स्पॉट्स देख सकते हैं इसके अंदर से जो है ग्रे कलर के जो है ना वो स्पॉट्स आपको सामने दिख ही रहे होंगे, वाइट कलर नहीं है इसका। ठीक है जी, इसकी 4 लाख डिमांड है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं हर जगह से माशाल्लाह से हेल्थ में भरपूर है अल्हम्दुलिल्लाह। आएंगे इंशाल्लाह वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आके ख़ुद देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको जो है ना सही समझ आएगा जान में कैसी है भाई। लास्ट में पहली मरतबा मैं अब इसको वीडियो में दिखाने ये बता रहा हूँ, बताऊँगा कि भाई ये अब अवेलेबल है सेल के लिए। और काफ़ी लोग मुझसे शुरू से लेके जो है ना पीछे लगे हुए थे, भाई जब भी सेल के लिए इरादा हो तो हमें बताना। और सेल से पहले मैं आपको आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि अब बताइएगा कि अब ये कैसा तैयार हुआ है और बनाव में कैसा हो गया है। आपके सामने का है एक तरीके से ये बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है ना वो मेरे पास है, नखेल वखेल मैंने इसको दलवाई नहीं है, मुझे जो है ना वो बस ये था कि इसको तकलीफ़ होगी ज़्यादा तो इसलिए मैं दलवाई नहीं। बाकी ये देख सकते हैं माशाल्लाह सेहत जो है ना इसने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही गेन की है और काफ़ी मैंने इस पर भी मेहनत की है, साफ बात है। तो इसके हवाले से जो है ना ये भाई बिचोलों में है, कोई कदावर बछड़ा नहीं है, ना ज़्यादा लंबाई में भी नहीं है इतना ख़ास, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से जो इसकी सेहत है, जो बनाव है ना वो माशाल्लाह शौक वाला हो गया है। ये आपके सामने इसकी बनावट है और झालर नाप में अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह, गर्दन भी इसकी अच्छी हो गई है, मुंडी बहुत प्यारी हो गई है। और ये वही है बस, है तो मासूम लेकिन जो है ना भाई शरारती बहुत हो गए भाई साहब ये, और क्या नाम है बस बोलते हैं बस मुझे खेल कूद करवाओ। तो ये आपके सामने है, ये सब जो है भाई अवेलेबल है। अच्छा, इसकी मैं डिमांड नहीं बताऊंगा भाई, साफ बात है। इसका तो जो बंदा यहाँ आके ख़ुद देखेगा, ख़ुद जो है ना वो सामने आके जो है ना जो ऑफ़र वगैरह देगा तो फिर देखेंगे, मेरे समझ आएगी तो बात है। बाकी सबकी मैंने आपको और डिमांड बता दी है, आपको ज़्यादा लगे कम लगे या जो भी लगे ना आप यहाँ पर आके मतलब सही बात करेंगे तो इंशाल्लाह बात सही समझ आएगी। बाकी इसके हवाले से मैं इसकी कोई डिमांड नहीं बता रहा अभी, और जिसको ये समझ आए तो भाई वो यहाँ आके फार्म आके जो है ना वो बात करें। ठीक है, दांतों में मैं बता दूं, दांत तो है ना मैं अभी इसके खुलवा के दिखाता हूँ ताकि आप लोग को अगर कुछ समझ आए तो आप लोग देख ले। अभी तक तो नहीं निकाले लेकिन पूरी उम्मीद तो है, बहुत ज़्यादा हिला रहा है, बहुत ज़्यादा हिला रहा है। मैं आपको जो है ना मुंह खुलवा के इसका दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं भाई झेरी आपके सामने, और मैं आपको दांत भी हिला के दिखा देता हूँ। ये कितना, एक मिनट, ये देखें भाई बिल्कुल जो है ना वो आगे पीछे भी हो रहे हैं। आप यहाँ खैर आके देखेंगे इंशाल्लाह आपके सामने चीज़ को होगा तो जो है ना साफ आपको पड़ जाएगा, नीचे की तरफ से निकाल ही रहा है। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये 1.5 से 2 हफ्ते में नीचे से निकालना भी शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जो है ना वो आएंगे इंशाल्लाह तो जो है इसके हवाले से आप लोग को जो भी बात हो, जो भी आप लोग को समझ आए आप लोगों ने बताना है। ठीक है, वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग को जो कलेक्शन है वो समझ आया होगा। भाई अपनी अपने अपने पसंद की बात है, साफ बात है, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जानवर हैं और ये वो। प्राइस के हवाले से भी जो है ना ये भी देख सकते हैं दांतों में दो ही है। ठीक है, और माशाल्लाह जानदार सारे अच्छे हो गए सिवाय बस एक ब्लैक बछड़ा हमारा जो है थोड़ा सा ये इतना खास जो है जान में नहीं है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह अच्छी हाइट लेंथ इसकी भी सही है और कोई ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल जो है ना गया गुजरा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ना
अच्छा शाइनी है, साफ बात है, जिससे जिसने जिससे अपने लिया था उसने कोई ख़ास मेहनत नहीं की हुई थी, लेकिन थोड़े टाइम से है तो थोड़ा सा मेहनत की है तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी उसमें आ गया। चलें दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही अवेलेबल है मेरे पास। 7 जानवर हैं टोटल, 1 बछड़ी है और 6 बछड़े हैं, जिसमें से दांतों में सब दो ही दो हैं, या फिर 2 मैंने उसका तो दिखा दिए और इसके भी झुरी ऐसी ही आई हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि दांत कट जाएगा। खैर बहरहाल देखते हैं उसका, बाकी यहाँ पर फार्म पे आएंगे, विज़िट करेंगे, देखेंगे सामने अपनी चीज़, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नई भी जानवर लेना तो ज़रूर ये ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे पला, ये वाला मैंने मेरे पास काफ़ी टाइम से है, अब भूरा है और जो सबसे वो तो लाल वाला आपने देखा ही है, तो ये मेरे पास पुराने हैं, बाकी और भी है लेकिन वो सेल के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।